देख रहे वस्तु डबल कीमत में हो गए रिटेल रिटेल मार्केट में। मेरे दोस्तों, सरकार ने यह जो खुदरा ग्राहकों पर आएगी, आज जो यह विरोध स्वरूप रैली देख रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप में 48-49 टेम्परेचर होगा दमो का। चलो भैया, आनंद भैया, हम लोग ने आपके व्यापारियों से उम्मीद करिए, और पहले आप अपनी तैयारी करिए, फिर व्यापारियों से आप उम्मीद रहे। ये हम एक ज्ञापन दे रहे हैं प्रधानमंत्री के सामने, जिसमें उसका विरोध करते हैं, और साथ ही जो मंडी शुल्क की विभिन्न प्रांतों में विभिन्न दरें हैं, उनके लिए हम लोग चाहते हैं समरूपता रहे। मध्य प्रदेश में मंडी शुल्क की दर सबसे ज्यादा है, और हमारे पड़ोसी राज्यों में इसकी दर जीरो है। इस कारण भी ये एक विसंगति है, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, एक राष्ट्र एक कर, उसी के आधार पर यह काम होना चाहिए, ताकि सभी व्यापारी एक साथ धंधा कर सकें। सर, इसके लिए आगे भेजने की कृपा करें आप, कचरे के डिब्बे में डाला कृपया इसको आगे पहुँचाए। हम लोग का पूरा व्यापार बंद है, आज 15 तारीख है। महोदय जिला बमो, प्रस्तावित GST के विरोध में आम सभा एवं बंद का आह्वान। महोदय, अफसर शाही के मोहजाल में फंसकर ब्रह्मजाल में जो उत्पन्न करके छोटे व्यापार को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, FDI को खुली छूट दी जा रही है, उसका हम समस्त वस्त्र व्यवसायी और छोटे व्यापारी विरोध करते हैं। छोटे व्यवसायी के द्वारा इस हिंदुस्तान की जनता को 20% रोजगार मिलता है। धीरे धीरे ये बेरोजगारी बढ़ाने की जो चाल है, और मेरे को तो लगता है कि ये सरकार के द्वारा जहांगीर ने जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में व्यापार करने की छूट देकर इस देश को गुलाम बनवा दिया था, उसी प्रकार का कार्य वर्तमान सरकार कर रही है, और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। मेरे सारे व्यवसायी भाई इसका पुरजोर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहे हैं, जिसमें अनाज दलहन तिलहन दाल एंड ऑयल व्यापारी एसोसिएशन आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि ब्रांडेड दालों पर लगाए गए कर के संबंध में हमारा निवेदन है कि दाल प्रत्येक घरों में उपयोग होती है, इसलिए ब्रांडेड दालों पर कोई GST कर ना लगा जाए और इससे मुक्त रखा जाए। मंडी शुल्क के संबंध में निवेदन है कि मंडी शुल्क पूर्णतः लागू है सभी राज्यों में, और हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसकी करें भी एक रूप नहीं है पूरे देश में, तो इसको एक रूप में लगाकर ये भी GST से मुक्त रखा जाए। तीसरी बात है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि एक राष्ट्र एक दर, अगर एक राष्ट्र में एक दर रहेगी तो GST की जो आपकी सफलता है वो निश्चित है, क्योंकि हम लोग GST का
विरोध नहीं कर रहे हैं, तो उसकी विसंगतियां हैं, उनको एक रूपता लाने के लिए पूरे देश में ताकि एक कर देकर पूरा व्यापारी व्यापार आराम से कर सके और ये सारी विसंगतियां दूर करें, ये हमारा सिर्फ कहना है। धन्यवाद। जीएसटी की गवर्नमेंट का ये कहना था कि एक बिंदु पे टैक्स लगेगा, उन्होंने हर जगह अलग अलग टैक्स जो लगाए हैं ये हम लोगों को बहुत परेशानी की बात है। जिसको है ना एक जगह पे टैक्स लगाया जाए, हम लोगों को टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी तुरंत बंद के द्वारा इनके विरोध में जो जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा एक जीएसटी कर लगाया गया है, एक तारीख से चालू होना है, उसके विरोध में सभी व्यापारी सब इकट्ठे होकर हम सब व्यापारी यहाँ आए हैं और कलेक्टर साहब के माध्यम से यह ज्ञापन केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं। आप लोगों का, पत्रकार लोगों का बहुत सहयोग है, आप लोग कल से पूरा कवरेज कर रहे हैं, पूरा व्यापारी एसोसिएशन आपका हृदय से हार्दिक अभिनंदन करता है और आप लोग ऐसे ही सहयोग करते रहें और मीडियम के माध्यम से हम लोग की बात को भोपाल और दिल्ली और जहाँ जहाँ आप पहुँचा सकते हो वहाँ पहुँचाइए, जिसमें व्यापारियों का हित हो सके, आम जनता का हित हो सके। हम व्यापारी बहुत पीड़ित हो जाएंगे इस बात से, महीने में 3 बार कहाँ तक मतलब भर पाएंगे फार्म वगैरह, बहुत हिसाब किताब करने में दिक्कत वाला काम है, रिटर्न बहुत परेशानी जाएगी और हम लोग को टैक्स भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा इसमें, तो ये टैक्स पूरे जनता के ऊपर जाएगा तो महंगाई बहुत बढ़ेगी, इसे बहुत परेशानी बढ़ने वाली है। आप लोग इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर पहुँचाने की कृपा करें। धन्यवाद। मध्य प्रदेश का आयोजन किया जाएगा, आप सब लोगों से अनुरोध है अधिक से अधिक सोमवार हमारे शासकीय स्कूलों में जाकर के शासकीय स्कूल की गतिविधि का अवलोकन करें और उसमें अपना सुझाव दें, जिसका हम अनुसरण कर शिक्षा के स्तर में सुधार कर सकें। जय हिंद। स्वागत अभिनंदन साथ में शिक्षा साहब साथ उनको भी माला सर माला लाइए माला लाओ जी। उनका स्वागत और मैं प्रेम का संचार कर रहे हैं, जूता गली से उनका स्वागत करें। प्रेम नगर के लिए हमारे अधिकारी हमारे अतिथि उपस्थित हैं। आखिरी बार ऐसा कोई काम मौजूद नहीं है कि आप अपने पाए बीच में छोड़ें, सरकार ने सभी सुविधा आपके मुहैया कराई है। सभी बेटियों के लिए मिष्ठान की व्यवस्था की गई है। बालक बालिकाओं को ये अभी सम्मान करेंगे जिन्होंने हाई स्कूल की बालक बालिकाओं युक्त आपको लेकर हम आए हैं यहाँ पे। उद्दिष्ट है इस कहानी उत्सव के माध्यम से हम अपने पुराने संस्कारों को याद रखें, वो हम बचपन की बातें याद हैं कि हमें दादी नानी चाचा दादी कहानियाँ सुनाया करते थे। आज बहुत हर्ष का दिन है, स्कूल जाने के लिए जो प्रथम दिन की एक कीमत, पहले के लोग अधिकतर घर के बुजुर्ग लोग पंडितों को बुला के तिलक करवा के स्कूल छोड़ने आते थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतने अच्छे कार्यक्रम का आयोजन किया है कि प्रथम दिन जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाएं, उन बच्चों के लिए एक सम्मानपूर्वक तिलक करके उनको पुस्तकें दे के सम्मान के साथ स्कूल में प्रवेश दिलाया जा रहा है और उसका प्रथम दिन है। स्कूल चले हम और आज से स्कूल की शालाएँ सभी कक्षाएँ प्रारंभ होने वाली हैं। सभी बच्चों को मैं शुभकामनाएँ देती हूँ कि बहुत अच्छे से गणवेश के साथ और अपनी व्यवस्थाओं के साथ संस्कार और संस्कृत सहित अपने बच्चों को यहाँ पर छोड़ने आए। और बातें करना है, हम लोग हर बार कहते हैं, मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात करूँगा क्योंकि बच्चों के कहने के लिए तो मेरे पास कुछ है नहीं। जय जवान जय किसान हम कहते हैं और जो उस दिन आपसे मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि
जवान सुरक्षा करता है सीमाओं की, किसान से हम अन्नदाता है, हमारा पेट भरता है, पर संस्कार और संस्कृति शिक्षक देता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षक जब वो शिक्षक की भूमिका में आता है और उसको नौकरी का भाव से करता है, अधिकांश लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि कहीं वो ये भूल जाता है कि शिक्षक का समाज में ओहदा क्या है। भारतीय समाज में आज शिक्षक का वो ओहदा रह नहीं है। आज जो लोग वर्ण व्यवस्था के अंदर चले गए हैं वो ये भूल गए हैं कि किसी समय कोई अगर पंडित होता था तो वो होता था जिसके पास ज्ञान होता था, क्योंकि वो समाज को मार्गदर्शन देता था, उसको तरीका बताता था जीने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम वो भूल गए हैं। और आयोजन को सफल रूप देने वाली हमारी पूरी मंडली, पूरी टीम, इस विद्यालय के शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चियां, अभिभावकगण, मीडिया बंधु, आज का ये प्रवेशोत्सव, हमारे बुजुर्ग श्री कमल सिंघई जी, आज का ये प्रवेशोत्सव कार्यक्रम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग की मंशा के अनुसार हमारे प्रदेश के लगभग 1.25 लाख स्कूलों में एक साथ आयोजित किया जा रहा है, और करीब 1,48,00,000 बच्चे आज जो है इस कार्यक्रम में प्रवेशोत्सव में भागीदार बन रहे हैं। जैसा कि हमारे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों के लिए बहुत सारी हितग्राही योजनाएं संचालित हैं, और मध्य प्रदेश शासन इनका लाभ बच्चों को दे रहा है, और ख़ास तौर से हिदायत दी गई है कि हितग्राही मूलक योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही न की जाए, उसका लाभ बच्चों को निश्चित रूप से दिया जाना है। हमने विगत सत्र में करीब 1,67,000 बच्चों को उनके खाते में सीधे छात्रवृत्ति का वितरण किया, करीब 1,61,000 बच्चों को गणवेश और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया। इतने ही बच्चे हमारे मध्याह्न भोजन योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। सभी किसान भाइयों की ओर से हम हाथ जोड़कर विनम्र अपील करते हैं कि ये किसी पार्टी की नहीं, ये 100 से 1,000 गरीब किसान की लड़ाई है। आप सभी इस छोटे गरीब 100 से 1,000 किसान की लड़ाई में शामिल हो, और हक की लड़ाई में जो अन्नदाता की आज धरती पुत्र आज परेशान है, उसकी पेट की लड़ाई में शामिल हो। जो इस प्रकार प्रति माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय,
मिलता है। संपूर्ण भारत में किसानों की दयनीय स्थिति एवं मध्य प्रदेश के मंदसौर में किसानों पर दुर्भाग्य पूर्वक गोली चलाने के संबंध में माननीय महोदय जी मेरा धन्यवाद मध्य प्रदेश के संपूर्ण किसान माननीय महोदय जी के सक्षम ज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान में संपूर्ण देश में किसानों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। का ज्ञापन मैंने प्राप्त कर लिया और आज ही शीघ्रता पूर्वक करके मैं आपका ज्ञापन जहां के लिए भेजा है मतलब माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को आज ही अभी इसी वक्त भेजा। धन्यवाद। पूरे बुंदेलखंड में चरणबद्ध तरीके से सरकार विरोध में किसानों का आंदोलन जारी है और इसी श्रृंखला में डोरिया दमोह के बाद ये पटियागढ़ का ये वृहद कार्यक्रम सरकार के विरोध में था। हम अपनी किसानों की जो हमारी जायज मांगे हैं वो सरकार के लिए हमने रखी हैं और हम चाहते हैं सरकार शीघ्र ही हमारी मांगों पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई करे, अन्यथा चरणबद्ध तरीके से ये आंदोलन और उग्र होगा। मैं सभी किसान भाइयों से निवेदन करूंगा कि अगला जो हमारा आंदोलन होगा वो लाठी यात्रा होगी, लाठी यात्रा जो चरणबद्ध तरीके से और इसके बाद चकाजाम और फिर बड़ा उग्र आंदोलन इस संगठन द्वारा किया जाएगा। हम सभी भाजपा और कांग्रेस के किसान भाइयों ने जो हम लोगों को पार्टी के रूप में बांट देते थे और हमारी शक्ति को आधी कर देते थे, ये निर्णय लिया कि समस्त किसान बंधु मिलकर एक नया संगठन तैयार करेंगे जो केवल और केवल किसान के हित की बात करेगा, किसान के हक की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए हम लोगों ने दमोह में जिला स्तरीय पहले प्रदर्शन किया और उसके बाद समस्त ब्लॉकों में चक्रीय क्रम में सांकेतिक रूप से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की योजना बनाई है।